वेलकम ट्रेडर्स आज सुबह हमने ये वाला पोस्ट किया था हमारे टेलीग्राम चैनल पे जहाँ पे अगर कोई स्टॉक आपको एनालाइज करके एनालिसिस करके चाहिए होगा तो लाइक like, हम कैसे करते हैं उसके लिए सो दिस इज़ द वीडियो फॉर यू सो हमारे पास कुछ स्टॉक्स आए थे लेट्स सी देम वन बाय वन सो पहला है अदानी पोर्ट्स ठीक है नाफ़ अदानी पोर्ट्स को अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे देखूँ तो ये काफ़ी टाइम से एक छोटे से यू नो कुछ थर्टी थ्री परसेंट के रेंज में ही दो साल इसने निकाल दिया एक्चुअली तीन साल इसने निकाल दिया है कोविड के फेज में बाहर निकला एंड गया राइट सो यहाँ पे हम इसको ये जो यहाँ पे साइकिल दिख रहा है इसको एक वाइकऑफ साइकिल के टर्म्स में भी देख सकते हैं राइट फाइनली दिस वॉज योर फेस सी यहाँ पे आपका लास्ट पॉइंट ऑफ सपोर्ट्स राइट ये ऊपर गया एंड दिस इज़ योर बैकिंग अप एक्शन एंड देन योर मार्कअप फेस बिगिनस अभी मार्कअप फेस में अगर आप देखोगे तो अभी जाके फर्स्ट टाइम कहीं ना कहीं ये प्रॉपर लाइक अभी भी यू कैन नॉट से कि इसने कहीं रुका है यू जस्ट यू वॉट यू कैन सी इज़ दैट ये थोड़ा सा साइडवेज हो गया है अभी सिंस लास्ट वन मंथ और सो थोड़ा साइडवेज हो गया लेकिन ये काफी बड़ा मूव करके साइडवेज हुआ है सो दिस इज द सिनेरियो सो बेसिकली अभी जो ये टाइम फ्रेम है ये वीकली टाइम फ्रेम वीकली टाइम फ्रेम देख के तो ऐसा लग रहा है कि अभी अभी फिलहाल ये साइडवेज जाएगा थोड़ा एग्जॉशन होगा राइट डेली टाइम फ्रेम आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो एक ये बहुत सुंदर रैली करने के बाद में यहाँ पे इट फॉर्मड अ क्लस्टर ऑफ क्लोजेस राइट जहाँ पे आपके जो वॉल्यूम्स थे वो स्लोली डिक्लाइन हो रहे थे मतलब ये जो सी ओ सी है ये सी ओ सी यहाँ पर क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि बायर्स हैव नो इंटरेस्ट एट ऑल टू पुश द मार्केट अप एंड इतने स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में सेलर इतना जल्दी इजीली नहीं आएगा राइट right? तो इसलिए यहाँ पे बायर्स का इंटरेस्ट नहीं था इवेंचुअली मार्केट केम डाउन वॉल्यूम स्लोली स्लोली राइज हुए राइट right? यहाँ पे बेसिकली अगर आप ये वाली बार को देखोगे जिसको मैंने हाईलाइट किया है तो प्रॉपर रिजेक्शन विथ द वॉल्यूम जो पीछे काफी टाइम से ज्यादा है पिछले चार पाँच दिन से ज्यादा वॉल्यूम है एंड इट्स अ रिजेक्शन बार ये पहले बरिश बार के बाद में मुझे ये एक रिजेक्शन बार मिलता है जो छोटा वॉल्यूम का है एंड क्लोजिंग एट द लोज है दिस इज द एरिया वेयर सेलर्स विल गेट ट्रिगर और वही आपको नेक्स्ट दो तीन दिन दिख रहा है बट अगेन सेम सीनियो वॉल्यूम्स आर नॉट पिकिंग अप वॉल्यूम आपके साइडवेज हो गए राइट right? फिर बॉटम पे आते ही यहाँ पे यू सी दिस इसमें ये बार के लिए इतना वॉल्यूम एंड ऑलमोस्ट सेम साइज़ के बार के लिए ज़्यादा वॉल्यूम है दैट इज़ योर एफर्ट वर्सेस रिजल्ट मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं अपोजिट पार्टी प्रेजेंट है मार्केट में राइट बार बुलिश है लेकिन सिंस सपोजिट पार्टी प्रेजेंट है तो हमको थोड़ा कॉशियस होना चाहिए एंड नेक्स्ट डे प्रूफ होता है कि वो जो अपोजिट पार्टी है दैट अपोजिट पार्टी इज योर सेलर्स एंड ये जो एरिया पे सेलर्स uh, आए हैं ये वही एरिया है जहाँ पे पहले सी बना था सो ना वी नो कि यहाँ पे नीचे बायर खड़ा है ऊपर सेलर खड़ा है माई सेलर ज हियर माई बायर इज हियर तो क्या होगा ऊपर नीचे पिंग पॉक करना चाहिए था राइट right? फिर यहाँ पर ये यह सेलिंग हुआ अगेन सेलर के पास दम नहीं था ना उसे यहाँ पर सेलर खड़ा है तो जब ही सेलर का मूव आएगा सेलर पूरा ट्राई करेगा टू ब्रेक दिस लेवल मतलब वो जब अप्रोच करेगा वो लेवल को वो अच्छे वॉल्यूम के साथ करेगा बट यहाँ पे you see this spread is decreasing and your volume is also decreasing मतलब जब इस spread downside move है spread कम हो रहा है volume कम हो रहा है मतलब क्या my sellers are weak sellers but क्या हमको यहाँ पे buy के लिए जाना चाहिए नहीं हमको sign चाहिए कि buyer अभी भी है market में राइट सो यहाँ पे यू वेट 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 कहीं कुछ एक्टिविटी नहीं है एंड सडनली आउट ऑफ ब्लू एक बड़ा स्पाइक मूव आता है नाउ इफ यू नोटिस ये जो स्पाइक मूव है इसका वॉल्यूम चार्ट पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम है मीन्स दिस इज द प्योर केस ऑफ एक्सट्रीम वॉल्यूम राइट हाई वॉल्यूम ब्रेकआउट इज गुड बट एक्सट्रीम वॉल्यूम ब्रेकआउट इज नेवर अ गुड आइडिया प्राइस एक तो वहाँ पे काफ़ी लंबे टाइम तक रेंज में चला जाएगा कुछ रिसेंट एग्जांपल जैसे कि एस बी आई एन के साथ हुआ था उसके पहले छः सात महीना पहले डॉक्टर रेड्डी के साथ हुआ था सेम वे यहाँ पे भी ऐसा कुछ हो सकता था या फिर प्राइस इमीडिएटली रिवर्स कर जाता है सो देर इज़ अ स्लाइट या देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एक्सट्रीम वॉल्यूम एंड हाई वॉल्यूम विच वी नीट टू कंसिडर अवेन सर्टन लेवल गेट्स ब्रेकआउट राइट right? तो ये एक एक्सट्रीम वॉल्यूम ब्रेकआउट है एंड नेक्स्ट डे यू कैन सी इवन विद द स्ट्रॉगर वॉल्यूम आपके सेलर्स आए राइट और यहाँ पे जो ये हमारे रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पे बन रहा था द वीक पुल बैक राइट इसके बेसिस पे हम कुछ टारगेट्स कैलकुलेट कर सकते हैं एंड एग्जैक्टली फर्स्ट डे जब ब्रेकआउट हुआ वो पहले टारगेट पे इन अ सिंगल डे पहुंचा एंड सेकेंड डे सेकेंड टारगेट से ही वो एग्जैक्टली exactly रिवर्स हुआ है यू कैन सी ओवर हीयर और उसके बाद में अभी ये डाउन साइड जा रहा है नव आगे क्या तो आगे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ रहा है ये ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक नहीं करना चाहिए सो एसपम मी वॉट आई एम एक्सपेक्टिंग इज ये जो यहाँ पे एक का एरिया बन सकता है इन थिस रेंज ये जो रेंज है फ्रॉम समवेयर अराउंड सिक्स सिक्सटी टू एट फोर्टी एट थर्टी ये रेंज के बीच में कहीं तो एक छोटा सा हम कंसोलिडेशन कर सकते हैं फॉर अ मंथ और सो और उसके बाद में अगर वो निकलता है तो वी विल यू नो लुक फॉर दिस थिंग अगर इन केस मार्केट ख़राब होता है और ये नीचे जाता है तो डू नॉट सेल एट दिस ब्रेकआउट वो रिटेस्ट करने आएगा ज़रूर बिकॉज ये काफ़ी लंबे ट्रेंड में था राइट right? तो जब वो रिटेस्ट करके वापस जा रहा होगा इन दैट सीनारियो यू विल गेट समथिंग लाइक दिस सो इसके ब्रेक डाउन पे आपको सेल करना है ठीक है अदरवाइज जब भी ये रेंज बनेगा तो ये रेंज का जब भी ब्रेकआउट होगा वहाँ पर यू विल बाय अभी फ़िलहाल के लिए ये पोर्टफोलियो में या स्विंग ट्रेड स्विंग ट्रेड्स तो ऑफकोर्स वी कैन वन आर पर हम ढूंढ नहीं सकते हैं बट पोर्टफोलियो में अभी ये ऐड करने लायक नहीं है ओके नेक्स्ट स्टॉक वॉज योर अमर राजा बैटरी अभी अमर राजा बैटरी इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टॉक ठीक है सी दिस ये कौन से एरिया में अभी खड़ा हुआ है अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग अभी जो ये मेरा स्टॉक है ये कौन से एरिया में खड़ा हुआ है कहां से ये रिजेक्शन ले रहा है राइट right? तो दैट्स वाई वहां एक सप्लाई जोन है या यू कैन से जो ये सेलिंग एक्टिविटी था वही सब रेजिस्टेंस वहाँ पे ऑफर हो रहा है ये जस्ट एक पुल बैक के अंदर है ऑन द वीकली टाइम फ्रेम राइट वीकली टाइम फ्रेम में पुल बैक के अंदर है एंड साथ ही में ये 788 के सपोर्ट के पास में है या समवेयर अराउंड दैट ओनली लाइक थोड़ा सा इसको यू नो बेनिफिट ऑफ डाउट देके यू कैन से 790 से आठ ये 25 पॉइंट के सपोर्ट जोन में है बेसिकली पच्चीस नहीं सॉरी ये पंद्रह पॉइंट का सपोर्ट जोन आएगा यहाँ पे ओके सो नाव अभी हम लोग वहाँ पे वो चीज़ देख रहे थे लेट्स मूव टू द डेली टाइम फ्रेम अभी डेली टाइम फ्रेम पे लेट मी डू द स्विंग एनालिसिस यहाँ पे ओके लेट मी एडजस्ट दिस एक्चुअली मैं नॉर्मली नहीं करता हूँ ऐसे सॉफ्टवेयर बेस्ड मैं मैनुअली ड्रॉ करना ज़्यादा पसंद करता हूँ बट आज ऑप्शन नहीं है तो आई विल डू दैट ओनली ओके दिस लुक्स फाइन ठीक है तो ये जो नीचे से मूव आया था ये मूव था आपका समवेयर अराउंड फोर ट्वेंटी का जिसका पुल बैक सिर्फ दिया था सिक्सटी फोर पॉइंट्स या मे बी इसको भी कंसिडर करोगे तो 97 पॉइंट्स मतलब अराउंड ट्वेंटी के आसपास राइट फोर ट्वेंटी फिर इसके बाद जो नेक्स्ट मूव आया ये आया आपका 328 का एंड इसका पुल बैक इज समवेयर अराउंड 126 तो यू तो यूसी मेरा जो स्पीड है ऊपर जाने का वो कम हुआ है पुल बैक मेरा बढ़ रहा है एंड आई एम इन टू अ मेजर रेजिस्टेंस जोन जो उसके ऑल टाइम हाई के एरिया से आ रहा है जहाँ पे वो रिजेक्ट हुआ था लास्ट टाइम राइट एंड यहाँ पे साथ ही में इसने एक लोकल स्ट्रक्चर लोकल एस एन आर बनाया है तो जब ही लोकल एस होगा तो इसके टारगेट समवेयर अराउंड ये एरिया में आते हैं मैंने कैलकुलेट किए थे बट समहा यहाँ पे सेव नहीं कर पाया तो समवेयर अराउंड ये एरिया में आपको टारगेट मिलेंगे जो कि हमारे सपोर्ट रीजन के पास में भी है दैट्स योर सपोर्ट राइट तो यहाँ से क्या होगा अगर सपोर्ट प्रॉपरली गेन करता है तो ये ब्रेकआउट करने का पूरा कोशिश करेगा एंड एक रेंज डेवलप करेगा या फिर ये जिस स्पीड से नीचे आ है उसे ये स्पीड बहुत स्लो है तो वंस इट ब्रेक आउट आप यहीं पे एंटर करके वेट कर सकते हो आपका एस एल शुड बी समवेयर बिलो 780 के आसपास टाइट एस एल रख के आपको ट्रेड करना है इसमें और जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाएगा आपको वीक ऑन वीक बेसिस पे आपके एस एल को भी ट्रेल करना है बिकॉज अमर राजा बैक्ट्री एक ऑटो एंसिलरी सेक्टर से तो बैटरी स्टफ़ ई वाला स्टफ़ और ई का हवा जब भी फूटेगा हवा लगेगा तो भागेगा लेकिन हवा फूटेगा तो उतना बुरी तरह से टूटेगा अभी राइट सो so, जो भी चीज़ें रिटेल पब्लिक के पास में है उस पर थोड़ा सा हाथ टाइट ही रखना चाहिए राइट सो आई एम बुलिश ऑन दिस अमर राजा बैटरी किस तरह से अपॉर्चुनिटी क्रिएट होता है वो हमको देखना है अभी एज ऑफ नाउ अगर आप रिसेंट प्राइस एक्शन पे देखोगे तो ये एक स्ट्रांग सेलिंग करते हुए नीचे जा रहा था राइट बट साथ ही में इसने एक एसओटी बनाने का भी अटेम्प्ट किया है अगर ये एक दो दिन में फॉलो थ्रू नहीं देता है इनफैक्ट ये थोड़ा सा ऊपर आ जाता है तो ये एक वैलिड एस बन जाएगा दैट इज़ योर शॉर्टनिंग ऑफ थ्रस्ट विच इज़ अगेन रिवर्सल साइन राइट तो यहाँ पे अकॉर्डिंगली हम उसको पिक करने का कर ट्राई करेंगे आई एम बोल्यूश ऑन दिस वन मेरा एस एल समवेयर थोड़ा सेफ लोकेशन पे रख के वी कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन दिस वन नेक्स्ट इज योर अंबुजा सीमेंट अंबुजा सीमेंट ऑन वीकली टाइम फ्रेम अगर मैं पीछे जाऊँ तो यू अंडरस्टैंड दिस ये वाला हाई निकालने में उसको दम लगा था इट ऑलमोस्ट तीन बार वहाँ पे रिजेक्ट हुआ है फ्रॉम दिस लेवल एंड फाइनली इट ब्रोक राइट फाइनली इट ब्रोक यहाँ पे कंसोलिडेशन किया एंड दिस इज़ वीकली टाइम फ्रेम मतलब वो डेढ़ दो महीने का कंसोलिडेशन है इन दैट एरिया और फिर अब ऊपर जा रहा है राइट right? तो इतना मूव करने के बाद रेजिस्टेंस क्रॉस करने के बाद में ये थोड़ा रुकेगा राइट right? तो जब ये रुक रहा है तो वहां पे वी नीड टू ऑब्जर्व तो सिंस ये यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था जब तभी मेरे नज़र में था आई फाउंड दिस ट्रेड अनफॉर्चुनेटली अपॉर्चुनिटी मिस हो गया तो कुड नॉट ट्रेड यहाँ पे ये साइंस ऑफ एग्जॉसन भी दे रहा था ऑन आर्ली टाइम फ्रेम सो इफ यू सी इसके कंपैरिजन में ये वाला एक ई था तो कहीं ना कहीं ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है इन दिस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट तो वो प्रॉफिट बुकिंग पूरा का पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा एंड देन इवेंचुअली इट विल स्टार्ट रनिंग अभी फिलहाल स्टॉक में कोई भी स्ट्रेंथ नहीं है बहुत स्लो मूव कर रहा है राइट right? तो इसको इंट्राडे प्रस्पेक्टिव स्विंग प्रस्पेक्ट जी स्लो स्टॉक है स्विंग प्रस्पेक्टिव बहुत अच्छा है रिक्स भी लिमिटेड रहेगा रिवॉर्ड्स भी लिमिटेड रहेगा इफ़ यू आर अनएबल टू कैच द मोमेंटम वाला स्टॉक तो ऐसे स्लो स्टॉक ढूंढो जो धीरे 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 हिलते हैं इफ़ यू आर एन ऑप्शन ट्रेडर स्टे अवे फ्रॉम दिस वन इफ़ यू आर एन इंट्राडे ट्रेडर स्टे अवे फ्रॉम दिस वन ये ऐसे वाले स्टॉक्स को जो स्लो मूवर स्टॉक्स होते हैं इनको ब्रेकआउट्स के लिए ही आने का सिर्फ ब्रेकआउट होता है वो दो दिन ट्रेड करो बाद में शांति से बैठ जाओ राइट right? तो ये स्लो मूवर स्टॉक है पोर्टफोलियो के लिए छह सस्ता भाव पे मिला तो खरीदो अदरवाइज स्टार्ट यू नो स्लोली स्लोली अकोमुलेटिंग दिस वन नेक्स्ट इज योर सेंचुरी प्लाय फिर से सेम चीज ऑन वीकली टाइम फ्रेम वी हैव रेजिस्टेंस ओवरहेड एक्चुअली देखा जाए तो यहाँ पे भी हम एक लाइन बना सकते हैं जो यहाँ से यहाँ से रिजेक्ट सपोर्ट लाइक पहले रेजिस्टेंस था फिर सपोर्ट की तरह देन योर कोलेप्स हैपन फ्रॉम द 2018 एंड फिर अभी प्राइस वही जोन के पास में आके खड़ा है ऑन वीकली टाइम फ्रेम ठीक है अभी नोटिस करना द वॉल्यूम टिल दिस पर्टिकुलर बार वॉज फाइन कुछ दिख रहा है कुछ वॉल्यूम्स दिख रहे हैं बट उसके बाद में वॉल्यूम्स आर नॉट देयर नाफ वॉल्यूम्स खत्म हो गया है ये स्टॉक में राइट इट्स अ क्लियर साइन के सेंचुरी प्लाय एक वीकली टाइम फ्रेम पे पुल बैक के लिए जाने वाला है राइट सिंस इट्स नॉट एन एफ स्टॉक तो यहाँ पे सेलिंग वॉल्यूम्स जल्दी नहीं दिखेंगे आपको ओके okay? नाव यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये सॉर्ट sort ऑफ of एक अकूमेशन साइकिल का स्ट्रक्चर है वीकली पे लग रहा है कि एक पुल बैक के लिए जाएगा एंड डेली पे लग रहा है कि ये accumulation cycle का structure है. So, एक अकोमोलेशन साइकिल का स्ट्रक्चर है सो एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है एंड ड्यू टू दैट कॉन्फ्लिक्ट हमको बहुत केयरफुली ये स्टॉक में बाई करना है बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस रीजनस सेकेंडली वॉल्यूम्स बहुत कम है तो प्रॉपर एनालिसिस वी कैन नॉट डू एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट तो हम क्या करेंगे इसको जाएंगे कैंडल स्टिक्स पे एंड लेस जूम फॉर द गुड वॉल्यूम्स राइट सो so, देखो ये वाला बार बड़ा है क्लोज इज हियर बाद में कुछ नहीं है कोई एक्टिविटी नहीं है कहीं पे भी इवन दिस रिजेक्शन एंड दिस रिजेक्शन कुछ खास वॉल्यूम्स नहीं है स्ट्रॉन्ग बार है वॉल्यूम अभी भी ज़्यादा नहीं है राइट right? सो so, ये ऐसे स्टॉक्स है अभी फिलहाल थोड़ा दूर रहो लेट इट सेटल वीकली पे ब्रेकडाउन ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देगा उसके बाद में आके इसको ट्रेड करो ठीक है तो आज के लिए ये चार स्टॉक्स रिमेनिंग और कितने बाकी हैं और कुछ दस स्टॉक्स बाकी है तो वो दस स्टॉक्स का वीडियो आई विल मेक टुमारो ओके तो थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन आगे के जो स्टॉक्स है वो स्टॉक्स के वीडियो यू विल गेट स्लोली स्टेडीली, बिकॉज ये तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा एंड आई डोंट वॉन्ट टू डू दैट सो दैट्स इट फॉर नफ बाकी का कल देखेंगे बाय बाय टेक केयर हैव अ गुड डे